नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने बेसिक्स हैं और इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपका प्रिपरेशन बेटर चल रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका बेसिक्स रिवाइज भी हो जाएगा और आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ पीसीएम सिस्टम यूजेज अ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर फॉलोड बाय 8-bit इनकोडर, व्हाट इज द SNR फॉर फुल लोड साइनोसोइडल सिग्नल। SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो पूछ रहे हैं। साइनोसोइडल सिग्नल दिया गया है PCM के केस में और N की वैल्यू, बिट की वैल्यू दी गई है 8-bit। तो दोस्तों, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो जाता है PCM के केस में। साइनोसोइडल सिग्नल अगर इनपुट दिया हो तो SNR इक्वल्स टू हो जाता है 6N प्लस 1.8 dB। ये आंसर dB में आता है। तो यहाँ पे आपको N की वैल्यू आप 8 प्लेस करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1.8 dB, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 49.8 dB हो जाएगा इसका आंसर। तो ये दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखिएगा SNR का, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का PCM के केस में, जब इनपुट सिग्नल साइनोसोइडल दिया हो तो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है। द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज। दोस्तों, आपको पता है सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशियंट निगेटिव होता है और हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, हाईली सेंसिटिव होता है और निगेटिव होता है। ये क्यों होता है दोस्तों, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। सेमीकंडक्टर के केस में जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है मीन्स रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। मीन्स आप इधर कंडक्टिविटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। मीन्स ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट हो जाता है सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सेमीकंडक्टर इज ए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर बात करें मेटल्स की बात करें दोस्तों, तो मेटल के केस में होता क्या है, मेटल में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर कंडक्टर की बात करें तो, अगर टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कंडक्टर के केस में या मेटल्स के केस में इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, मीन्स रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। मीन्स मेटल के केस में, मेटल क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। मेटल के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। अब बात करें इंसुलेटर की दोस्तों, इंसुलेटर का जैसा आपने एनर्जी बैंड का डायग्राम देखा था, इसके बीच में लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप होती है, जिसे एनर्जी बैंड गैप बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, अगर आप इंसुलेटर को ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे, बहुत ज़्यादा उसको वोल्टेज सप्लाई देंगे या बहुत ज़्यादा हीट उस पर प्रोड्यूस करवाएंगे या बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको हीट में देंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास, अब इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्शन बैंड में जाना है, मीन्स इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे देंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो सकता है और कंडक्शन बैंड में जा सकता है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, कर सकती है मैंने बोला है। तो यहाँ पे दोस्तों, जो इंसुलेटर होता है उसको अगर हम ज़्यादा एनर्जी दे, ज़्यादा एक्सटर्नल सप्लाई दें, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाए तो। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी मीन्स रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी मीन्स हम कह सकेंगे इंसुलेटर भी दोस्तों क्या है, नेगेटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है इंसुलेटर का भी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, कंडक्टर या मेटल आप उसे कह लें तो उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। माइक्रोप्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन से XCHG में होता क्या है, बेसिकली क्या करते हैं, डी एंड HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इस इंस्ट्रक्शन के बाद। ये आपको पता ही होगा अगर आपने मेरे माइक्रोप्रोसेसर के लेक्चर को फॉलो किया है तो।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछा गया है, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ दिया गया है तो। अब दोस्तों जैसा कि मैंने रिंग काउंटर के केस में बताया था, अगर ये 10 बिट रिंग काउंटर है तो ये मॉड 10 काउंटर कहलाएगा। 10 बिट रिंग काउंटर है तो मॉड, इसके पास 10 डिफरेंट स्टेट से काउंट करेगा, इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाई 10 होगा, ठीक है। तो ये 10 बिट काउंटर है तो इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मीन्स एक्स पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो 200K डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 20K, मीन्स मॉड 20K रिपल काउंटर का जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 20K। इतना क्लियर है। अब ये Y की वैल्यू क्या हो जाएगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये मॉड 20 रिपल काउंटर है तो इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाई ये मॉड नंबर से होता है, मीन्स वाई पे जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 20K डिवाइडेड बाई 20, राइट। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, मीन्स यहाँ पे 1K, मीन्स जो वाई पे जो फ्रीक्वेंसी है इस टाइम पे दोस्तों वो क्या है 1K की फ्रीक्वेंसी आ रही है वाई पॉइंट पे। अब हमें जेड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, जी हाँ दोस्तों जेड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये 4-bit पैरेलल काउंटर दिया गया है दोस्तों, 4-bit पैरेलल काउंटर का मतलब इसके पास 2 to the power 4 मीन्स 16 डिफरेंट स्टेट होंगे। कितने डिफरेंट स्टेट होंगे दोस्तों, 16 डिफरेंट स्टेट होंगे। 16 डिफरेंट स्टेट का होना मतलब मॉड 16 काउंटर हो गया ये, जी हाँ दोस्तों मॉड 16 काउंटर हो गया, मतलब जो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय 16 होगा। और वाई के प्लेस पे फ्रीक्वेंसी क्या था दोस्तों 1K था, तो इस जेड पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा दोस्तों 1K मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 16, जी हाँ दोस्तों अगर 1000 डिवाइडेड बाय 16 आप करते हैं तो आंसर आ जाएगा 62.5 हर्ट्ज़, जी हाँ दोस्तों। तो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा जेट के प्लेस पे वो हो जाएगा 62.5 हर्ट्ज़। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के आप घबराया मत करिए, इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप अगर इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सबको समझेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ फोटोडायोड इज ऑपरेटिंग इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन व्हाट हैपेंड विद द डायोड करंट विद इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट, इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट, उस केस में क्या होगा। अब दोस्तों क्या होता है, फोटोडायोड सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। ये फोटोडायोड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और फॉरवर्ड बायस में ये एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही ऑपरेट होता है, जी हाँ दोस्तों फॉरवर्ड बायस में ये एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करता है। और जो फोटोडायोड का जो प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस में यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि when photodiode is operating in forward bias condition, what happened to the diode current with increase in the incident light? इस केस में दोस्तों क्या होता है, जैसे अगर forward bias में वो operate हो रहा है, उस केस में अगर हम उस पर कोई light, ये normal PN junction diode की तरह ही work करता है उस केस में, और अगर उस पर कोई light incident होती है तो उस केस में भी उसकी current की value बढ़ेगी, उस केस में भी उसकी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा इट इंक्रीजेज। यहाँ पे आपको याद करने का जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि फोटोडायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और फॉरवर्ड बायस में वो एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से बीसीडी काउंटर इज ऑल्सो नोन एज, मीन्स बीसीडी काउंटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा बीसीडी काउंटर में उसके 10 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, बीसीडी के लिए 10 वैलिड स्टेट्स होते हैं और 10 डिफरेंट स्टेट होते हैं, इसके कारण दोस्तों इसको डिकेड काउंटर भी बोला जाता है और मॉड 10 काउंटर भी बोला जाता है बीसीडी काउंटर को। दोस्तों अगला क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से है, इन अ माइक्रो प्रोसेसर द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेस्ड, उसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को लेता है जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से इन कंस्ट्रक्शन अ के मैप द ऑर्डर इज ऑब्टेंड बाई यूजिंग, दोस्तों आपने के मैप फिल किया होगा तो आपने देखा होगा अगर 4x4 का के मैप है तो 0011
वन 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 जीरो लिखते हैं, इधर भी आप लिखते हैं जीरो 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 वन 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 जीरो। दोस्तों आपने सोचा होगा कि ये यहाँ पे जीरो लिखते हैं, यहाँ पे वन लिखते हैं, यहाँ पे थ्री क्यों लिख देते हैं, यहाँ पे टू क्यों लिखते हैं। ये आपने कभी सोचा होगा ज़रूर, कि आपको याद करने में भी प्रॉब्लम आती होगी, तो कभी कभी आप ऐसे ही कर देते होंगे जीरो वन टू थ्री ऐसे लिख देते होंगे। ये गलत था, गलत था इसलिए गलत था क्योंकि इसको दोस्तों जो ये फिल किया जाता है वो मिनिमम एरर कोड से फिल किया जाता है, मिनिमम डिस्टेंस कोड से फिल किया जाता है। दोस्तों जो मैंने नाम लिया मिनिमम एरर कोड एंड मिनिमम डिस्टेंस कोड, ये ग्रे कोड का ही नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रे कोड को मिनिमम डिस्टेंस कोड और मिनिमम एरर कोड से भी बोला जाता है। दोस्तों एक्चुअली जो हम भरते हैं फिल करते हैं जीरो वन टू थ्री इसी सीक्वेंस में भरते हैं, ये नंबर तो वही होता है लेकिन वो ग्रे कोड में लिखा होता है। लाइक अगर जीरो का बाइनरी कोड लिखा जाए तो जीरो जीरो, और वन का बाइनरी कोड लिखा जाए तो जीरो वन, टू का लिखा जाए तो वन जीरो, और थ्री का लिखा जाए तो वन वन, ये होता है बाइनरी नंबर। लेकिन के मैप में हम लोग क्या भरते हैं जीरो 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 वन 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 जीरो। अब दोस्तों अगर इन बाइनरीज को ग्रे कोड में कन्वर्ट किया जाए तो ये जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा, इस जीरो को जीरो किया जाएगा, इस वन को वन ही रहेगा, जीरो प्लस वन वन ही होगा। अब दोस्तों अगर इसको देखा जाए वन का वन एज इट इज रहेगा और इस वन को इस जीरो से ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। अब इस वन को वन एज इट इज रहेगा और इस वन को इससे ऐड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया, मीन्स हम लिखते उसे वन टू थ्री के जीरो वन टू थ्री के फॉर्म में ही लिखते हैं लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्रे कोड में होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात आपको पहली बार पता चली तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये रीज़न है ग्रे कोड में लिखने का के मैप में। के मैप में लिखते तो हम उसको वन टू थ्री में ही है, उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, लेकिन जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्रे कोड में रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे हम जीरो 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 वन 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 एंड वन जीरो लिखते हैं के मैप को फिल करते टाइम। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये मिनिमम एरर कोड और मिनिमम डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं ग्रे कोड को। तो ये रीज़न है दोस्तों के मैप में जो फिल किया जाता है ऑर्डर वो ग्रे कोड प्रोग्रेशन के फॉर्म में होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द पिन 8085 दैट डी मल्टीप्लेक्स द एड्रेस एंड डेटा पिन इज कॉल्ड एएलई एड्रेस लैच इनेबल, जो कि यूज होता है लोअर एड्रेस लाइन को एज अ डेटा बिट को डेटा बिट की तरह यूज करने के लिए एएलई सिग्नल का यूज होता है। जैसा कि आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर में कोई सेपरेट डेटा लाइन्स नहीं होती, सेपरेट डेटा लाइन्स नहीं होती, जो एड्रेस लाइन्स होती हैं उनके लोअर 8 बिट एड्रेसेस को यूज किया जाता है एज अ डेटा लाइन बाय द यूजिंग द सिग्नल ALE सिग्नल के थ्रू। हम उसको यूज करते हैं जब हमको डेटा का जरूरत पड़ता है तो ALE सिग्नल के थ्रू उसको डेटा लाइन्स बना लेते हैं, और जब को उसे एड्रेस की तरह यूज करना होता है तो ALE सिग्नल के थ्रू उसको हम एड्रेस लाइन बना लेते हैं। तो ALE वो सिग्नल है जिसके कारण हम 8085 का जो डी मल्टीप्लेक्सिंग होता है एड्रेस एंड डेटा पिंस का, वो ALE सिग्नल के कारण ही होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। हाईएस्ट स्पीड किसके पास होता है दोस्तों, सिंक्रोनस काउंटर के पास हाईएस्ट स्पीड होता है। क्यों हाईएस्ट स्पीड होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप्स को आप सेम क्लॉक पल्स देते हैं, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को सिंक्रोनस काउंटर के केस में सभी फ्लिप फ्लॉप्स को सेम आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी या क्लॉक अप्लाई करते हैं सभी फ्लिप फ्लॉप पे सेम, इसलिए दोस्तों ये फास्टेस्ट होता है। अगर बात करें असिंक्रोनस काउंटर की तो असिंक्रोनस काउंटर के केस में प्रीवियस का आउटपुट जो होता है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक की तरह वर्क करता है, तो इसलिए दोस्तों ये स्लो काउंटर कहा जाता है। असिंक्रोनस काउंटर स्लो काउंटर होता है और जो हाईएस्ट स्पीड मीन्स फास्टेस्ट काउंटर होता है दोस्तों वो सिंक्रोनस काउंटर होता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के क्वेश्चन सीरीज से। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस कुछ नए क्वेश्चंस जरूर मिले होंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब अगर वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर सही से ज़रूर दे के आएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को ताकि उनको भी पता चल सके इस चैनल के बारे में और ऐसे कंटेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों
मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज या अगले लेक्चर में कुछ नए वीडियो, नए टॉपिक्स एंड नए एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।